बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान साहब बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, और ये मुश्किलें ऐसा नहीं है कि किसी ने पैदा की हैं, बल्कि ये खुद मुश्किलें उनके जरिए पैदा की गई हैं। और उनकी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और उनकी मुश्किलों पर बिल्कुल वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब ये 2.5 साल के बाद में जेल से रिहा होकर के रामपुर पहुंचे, तो मैंने इनको मशवरा दिया था कि खुदा की बारगाह में तौबा करें, मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ें और राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाएं। अगर वाकई इनको राजनीति करना ही है और ये नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर इनको चाहिए कि जितने भी मुसलमान नुमाया चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं जो अखिलेश यादव की इताब के शिकार हुए हैं, तो वो सब लोग मिलकर के आजम खान की क्यादत में एक नई पार्टी का गठन करें और उस पार्टी के बैनर तले ये राजनीति करें। आजम खान उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम लीडर हैं और समाजवादी पार्टी का चेहरा समझे जाते हैं, मगर उनके मुश्किल के दौरों में, चाहे वो पिछले दिनों की बात हो या आज की बात हो, पार्टी उनके साथ में खड़ी नहीं है और वो अकेले और तन्हा खड़े हैं और पूरी मुश्किलों का सामना वो अकेले कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके खास अखसुल खास जिनके ऊपर उनकी मेहरबानियां रहती थी, और उनकी पार्टी, सब ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब ऐसी कंडीशन में उनको अगर वाकई राजनीति करना है, तो मुरादाबाद के इकराम कुरैशी, बलरामपुर के आरिफ अनवर हाशमी, कानपुर के इरफान सोलंकी, ये जितने लोग भी हैं जो समाजवादी पार्टी के सताए हुए हैं, अखिलेश यादव ने जिनको नजरअंदाज कर दिया है, इन सब लोगों को मिला करके एक संगठन बनाएं, पार्टी बनाएं और उसके बैनर तले ये मैदान में उतरे। मैं समझता हूं कि पूरी कौम इनके पीछे खड़े होगी और ये फिर कामयाब होंगे और इनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और समाजवादी पार्टी से इनका रिश्ता नाता अलग हो जाएगा। और यही चाहिए भी, क्योंकि ये जितने भी MLA हैं, इनको पार्टी ने एकदम बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए इनके ऊपर वाजिब बनता है कि ये लोग समाजवादी पार्टी को जितनी जल्दी से जल्दी चाहें वो छोड़ दें।